हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है डाइविंग के ऊपर। जैसे कि मैंने डाइविंग के ऊपर पहले ही बनाई हुई है, जिसमें पैर ज्वाइंट करके कैसे डाइव मारते हैं, और आज है जो प्रोफेशनली आगे पीछे मारते हैं, बल्कि दोनों टेक्निक्स सही है, पर जो आगे पीछे पैर रख के मारते हैं, इससे जंप अच्छा लिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने लगभग सारी वीडियो बनाई हुई हैं। प्लीज़ मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि इस पार्ट की वीडियो बना दो, उसकी बना दो। पहले एक बार मेरे चैनल पर जाके, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मैंने सारी वीडियो बनाई है। प्ले लिस्ट में मैंने सारी ऐड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट में मैंने सारा, मतलब कि टेक्निक बताई है, ब्रीथिंग कैसे करनी है, फ्लोटिंग कैसे करनी है, किकिंग कैसे करनी है, हैंड वर्क कैसे करनी है, पानी के अंदर, पानी के बाहर, सारा कुछ। तो चलो आप पानी में चलते हैं और पानी में आपको डाइविंग की बताते हैं सारे स्टेप बाई स्टेप, जो बिगनर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बताई थी कि पैर ज्वाइंट करके हम किक करते हैं, आज हमने क्या करना है, और डाइव करते हैं, सॉरी, आज हमने पैर आगे पीछे रख के डाइव करनी है। उसकी सारी टेक्निक बताने वाला हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप डाइविंग करते हैं, तो जो आपके पैर हैं वो आपके ऐसे के ही ऐसे रख के डाइव करते हैं, ऐसे रख के डाइव नहीं करनी। आपने डाइव जब करनी है तो ये चीज़, ये पोजिशन होनी चाहिए, ये पैर आपके इस शोल्डर के बराबर होने चाहिए, मतलब कि सीधा नीचे, ठीक है, ये पैर आपका इस शोल्डर के नीचे आना चाहिए। उसके बाद हम ये वाली पोजिशन लेते हैं, ठीक है, ये पैर आपका ऐसे पोजिशन में रहता है कि ताकि आप जंप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो पोजिशन लेके यहाँ पे ग्रिप किया होता है, तो बैक होते हैं, हम खींचते हैं, हाथ ऐसे लेके जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमने हाथ सीधा यहाँ से लेके हाथ नीचे कर लेना है, ये वाली पोजिशन, ठीक है। ये बात में याद रखना कि चिन जो है वो यहाँ टच होनी चाहिए, लाइक दिस, ऐसे टच होनी चाहिए, तब आपका गॉगल्स नहीं उतरेगा और पैरों को देखना है आपने, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा मैं बता दूंगा, एकदम आपने, अगर आपको नहीं आती है, बिगिनर के लिए अगर आपको नहीं आती तो आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। आपने सबसे पहला दिन क्या करना है, आपने बैठ जाना है, पैर आगे पीछे पीछे लेके ऐसे करके बैठ जाना है, ठीक है, और हाथों को आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है, देन आगे गिरना है कैसे, लाइक दिस, ये चीज आपने करनी है। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको अगर डर लगता है डाइव मारने में, वो चीज नहीं लगेगी, डर नहीं लगेगा, और दूसरी बात की आपको चोट भी नहीं लगेगी। क्या होता है कि हम खड़े होकर जब डाइव मारते हैं, हमारी चेस्ट सीधी पानी में ऐसे करके लगती है, जिसके कारण चोट लगती है, ठीक है। मुझे अभी एक वीडियो ग्रुप में, मेरे डिस्क्रिप्शन ग्रुप में एक वीडियो डाली थी भाई ने, स्विमिंग में उसके पैर गल चल रहे थे, हाथ गल चल रहे थे, और उसकी डाइव भी गलत थी, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, ऑटोमेटिक फर्क आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, आपने जब पैर रखना है ना, तो उसको ग्रिप करना है, ये चीज़ आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, और पैर आपका शोल्डर पे शोल्डर नीचे होना चाहिए, ऐसे ग्रिप कर लेना है, ठीक है, फिर आपने टाइम मारनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ऐसे पोजिशन में आपने सिंपल बैठ जाना है, हाथ ऐसे कर लेनी है, ठीक है, देन आगे गिरना है आपने, आगे गिरना है, ठीक है। और ये बात याद रखना है कि जब आप पूल में डाइव मारते हो, तो पानी के अंदर एंटर होते ही आपने स्ट्रेट हो जाना है, अगर आप नीचे रहोगे तो नीचे आपका सिर लग सकता है, कम पानी में, जैसे ये कम है, ये ढाई लीटर पानी, मतलब ढाई फुट पानी है, ये इसमें आपका सिर नीचे लग सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने चार फुट मिनिमम आपका पानी जो होता है वो चार फुट गहरा होना चाहिए, ठीक है। पहले स्टेप में आपने यहाँ पे डाइव मारनी है, ठीक है, उसमें भी आपने यहाँ पे आ जाना है, तो फ्रेंड्स पैरों को जो आपने रखना है यहाँ पे, और डाइव मार्क हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चिन जहाँ टच करके यहाँ पे ऐसे अपने रखना है। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ, आपने पहले जो प्रैक्टिस की थी वो इसकी ही थी, ठीक है, मतलब पहले बैठ के किया, फिर आपने यहाँ किया, फिर ये पोजिशन आ जाती है, ये पोजिशन आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये वाली डाइव मारी थी, ये वाली डाइव, सिंपल ये वाली डाइव मार्क, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने ये चेस्ट नहीं बजनी चाहिए, मतलब चेस्ट जो नीचे बजती है वो चीज़ नहीं बजनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये पोजिशन लेनी है, ठीक है, हैंड मूवमेंट आपने ऐसे कर लेना है, ऐसे में आपने नहीं स्टार्ट करना, आपने ऐसे पकड़े कर लेने, उसके बाद आपने सिंपल आगे तो ये वाला पोजिशन लेना है आपने। इससे होगा क्या, धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी डाइविंग सुधरती जाएगी, और लेग स्ट्रेट रखने हैं, ठीक है। ये पानी अभी ढाई फुट है, ठीक है, आपने चार फुट, कम से कम चार फुट होने चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है, आप बिगनर हो, आप डाइव में नहीं मार सकते, और मैं डाइव में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एरिया थोड़ा सही है, उसमें थोड़ी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ नाली सी है, वहाँ मैं दिखाऊंगा जो पूरी डाइव क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने स्टेप किया यहाँ बैठ के ऐसे गिरे, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप किया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया हमने यहाँ पे। अब हमें यहाँ से डाइव मारनी है और पोजिशन यही रखनी है। हाथ यहाँ पे हम रखेंगे जब हमारी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो हम क्या करना है, पोजिशन ले लेनी ये वाली चिन टच नीचे और जंप करना है आगे। अगर आपकी डाइव सही होएगी तो आप काफी दूर तक मुड़ के ऐसे ही चले जाओगे बिना कुछ हाथ पैर मारे। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस डाइव में आपको समझ में आ गया। अब हम उधर जाके आपको पूरी डाइव मार के दिखाएंगे। डाइव मारते समय एक चीज का ध्यान रखना कि आपका पैर फोल्ड ना हो। तो चला पूछ। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम गहरी साइड में, यहाँ पे 5-5.5 फुट है। तो अब जो डाइव मारनी है वो पूरी प्रोफेशनली मारनी है। आप क्या करना है, अगर आपने उसकी स्टेप की प्रैक्टिस कर ली है, पहला स्टेप मैं शुरू से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके जो पैर है वो इतने खुले होने चाहिए जितने शोल्डर होते हैं, ठीक है। आपने पोजीशन लेनी है, पैरों में आप आगे पीछे कोई भी पैर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात की ये ग्रिप आप यहाँ से करना मत भूलना, ठीक है। पीछे पावर आएगी क्योंकि जो सही डाइविंग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाइव मारने में बड़ी आसानी होती है। तो बैक हमने पीछे ले लिया, जंप मारना है, ठीक है। आप इजीली यहाँ से जंप मार सकते हो। मेन जंप आता है वो इस पीछे वाली टांग से आता है जो पुश आता है, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ से रखना है, ठीक है। और चिन जो है नीचे टच कर लेनी है जब आपने डाइव मारनी है, ठीक है। तो चलो अब आपको अच्छे से मार के दिखा देता हूँ, ठीक है। पीछे लेनी है, ओके। 1, 2, 3 एंड डाइव। तो समझ आ गया होगा आपको। और अभी जो डाइव में आपने प्रैक्टिस करते जाओगे सुधर जाएगी आपकी जितनी प्रैक्टिस करोगे। जैसे डाइव मेरी फोल्ड हो या बिगनर में यही आपकी होगी, ठीक है। तो चलो अब आपको आगे दे देते हैं एक दो बार और मार के, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी भी डाइविंग सुधर जाएगी। तो फ्रेंड्स देखो अभी मैं ये पैर कर रहा था आगे, अब हमने ये वाला पैर कर के मार दिया, ठीक है। डाइव मार के हमें ऐसे हाथ जैसे मैं लेके गया तो वैसे नहीं लेके जाने, आप ऐसे लेके जाने। तो एक बार फिर से देख लो पोजीशन, ठीक है। आप कोर्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही मार सकते हो, ठीक है। ओके 1, 2, 3 जंप। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फ्रेंड्स तो अब क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे सेम ऐसे ही होगा। अब प्रोफेशनली डाइव जिसमें हैंड मूवमेंट लेग मूवमेंट पूरी सही रहेगी। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी टाइम अच्छी हो जाएगी, मतलब कि मिनिमम आप धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे ही आपने टाइम आनी है, मतलब कि पहले आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है स्टार्ट, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे करनी है। तो आप टाइम की प्रैक्टिस कैसे करनी है स्टार्ट करना है। जिसके बाद दो पैर आपने छुपे आना है, उसके बाद फ्री स्टाइल करना है, फ्री स्टाइल कर लो। और बटरफ्लाई करनी है, बटरफ्लाई कर सकते हो। जो भी आपने स्ट्रोक करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ये चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी को बचाना तो ये चीज़ आनी जरूरी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अभी मैं ये बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के आपको थोड़ी बस डाइविंग दिखाऊंगा। जब ये आप प्रैक्टिस करते होगे वैसे बेस्ट बनते जाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको डाइविंग पता लगी होगी आगे पीछे पैर रखे मारने की। और मैंने ये भी बता दिया कि आप दोनों पैर ज्वाइंट कैसे करके मार सकते हो, उसका पार्ट मैंने पहले बना रखा है। तो वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब। आई होप कि आपको इसमें डाइविंग माने आगे हो, अगर अदरवाइज मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया हुआ है जिसमें पैर मैंने आगे ज्वाइंट करके बताया हुआ है कि मतलब कि दोनों पैर इक्वल बराबर रख के कैसे डाइविंग मारते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि आप चाहे स्विमिंग कर रहे हो, चाहे डाइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे किसी भी स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप निखरते जाओगे। जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं कि भाई मैं अभी तैरता हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं तैर पाता, मैं सांस नहीं अच्छे से ले पाता, ये चीज़ आप प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि अब जैसे डाइविंग की प्रैक्टिस, आपको डाइविंग अच्छे से आ गई, उसके बाद आप डाइविंग छोड़ देते हो, उसके बाद फिर डाइविंग में प्रॉब्लम आई जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फिर वापस सुधर जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं डाइविंग मार रहा हूँ, मेरे पैर भी फोल्ड हो रहे हैं, बट मुझे पता है कि पैर स्ट्रेट रखने हैं और मैं स्ट्रेट रख के भी आपको मार सकता हूँ, बट प्रैक्टिस की प्रैक्टिस जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो प्रोफेशनल कोच क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे उसमें अंतर तो आ ही जाएगा। आई होप कि आपको इसमें डाइविंग मारने आएगी हो, अदरवाइज मैंने सारे पार्ट बना रखे हैं। मुझे कमेंट आते रहते हैं कि कमेंट फ्रेंड्स मुझे इस चीज़ की वीडियो बना दो, ब्रीथिंग की वीडियो बना दो, या फिर फ्लोटिंग की बना दो, उल्टी फ्लोटिंग करें, सीधी फ्लोटिंग कैसे करें, इसके ऊपर मैंने सारी वीडियो बना रखी है। बकायदा मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट में मैंने सारा कुछ दिखा रखा है कि मतलब कि प्लेलिस्ट में जैसे मैंने पिछले सीजन में जो पार्ट बनाए थे वो सारे आपको प्लेलिस्ट किस नाम से मिलेगी, आपको स्विमिंग कैसे सीखे, ठीक है, इसके नाम से ऑल पार्ट लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको प्लेलिस्ट बड़ी आसान है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, इधर आता होगा या इधर आ रहा होगा, जहाँ पे मेरी फोटो लगी है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके आपको सबसे पहले होम का बटन आएगा, उसके बाद वीडियो का आएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट का आएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसमें आपको 3-4 प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा स्विमिंग कैसे सीखे ऑल पार्ट। उसमें आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी जो मैंने अभी बनाता हूँ, मतलब कि डालता हूँ, उसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे पार्ट मिल जाएंगे, जिसके कारण आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले सीजन की जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा कुछ है, तो आप प्लीज़ उस पर ज्वाइन करोगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आपको लगता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही, तो आप मुझे अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप बना के डाल के दे सकते हो, जिसके कारण मैं उसको देख के मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ गलत है, कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में फालतू का कुछ मत डालना। थैंक यू वॉच द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है चैनल स्विमिंग बाय मनी, ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर आप मेरे मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखते हो। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, तो मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।